तू नहीं तो और सही, यही कहना है इस वक्त मनमोहन सिंह का। ममता नहीं है लेकिन नंबर उनके पास पूरे हैं। यूपीए 2 से ममता का नाता टूट चुका है, न सरकार झुकी और न ही ममता मानी। महंगाई और रिटेल में एफडीआई के मुद्दे पर ममता गरज कर बरस भी गई लेकिन सरकार पर इसका कोई असर नहीं हुआ। ये तमाम लोग इस्तीफा देकर राष्ट्रपति भवन से बाहर निकल रहे हैं, उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सरकार को भरोसा था कि ममता नहीं आएंगी तो कोई ना कोई उनके साथ जुड़ जाएगा। अब कांग्रेस की नजरें मुलायम सिंह और मायावती पर टिकी है। सरकार मान चुकी है कि बाहर से मिल रहा इनका समर्थन अभी कम से कम कुछ महीने और भी आगे जारी रहने वाला है। साथ छूटा और राही जुदा, सियासी अखाड़े में इस बार ममता सिर्फ गर्जी नहीं बरसी भी। उन्होंने जता दिया कि ममता अब सरकार पर ममता के मूड में नहीं। घुड़कियों और धमकियों का दौर खत्म, अब होगी आर पार की लड़ाई। ममता के सभी 6 मंत्री इस्तीफा सौंप चुके हैं। यूपीए सरकार से अब टीएमसी का कोई वास्ता नहीं है, ये औपचारिक तौर पर राष्ट्रपति को बताया जा चुका है। साथ खींचने से पहले ममता ने सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम भी दिया लेकिन सरकार झुकी नहीं। पहली बार ऐसा हुआ कि ममता अड़ी रही और सरकार भी टस से मस नहीं हुई। पहली बार ममता बनर्जी के दबाव की रणनीति काम नहीं आई। देखिए, जहां तक हमारा समर्थन साफ है, हम कम्युनिस्ट फोर्सेज को, साम्राज्य शक्ति को पावर में नहीं आने देना चाहते हैं, इसलिए मैं समर्थन दे रहा हूं। मैं यूपीए में नहीं हूं लेकिन समर्थन कांग्रेस का दे रहे हैं। हमारा काम है जनता से पहुंचाना कि देखिए भी गलती कर रहे हैं, हम इनकी गलती के साथ नहीं, हम विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस आश्वस्त है कि ममता के बगैर भी सरकार गिरेगी नहीं। मुलायम सिंह यादव के मिले जुले संकेतों पर कांग्रेस को भरोसा हो चला है। ऐसे ही संकेतों के बूते कांग्रेस मान चुकी है कि ममता गई तो कई और आ जाएंगे सरकार में शामिल होने। ममता के पास इस वक्त 19 सांसदों की ताकत है, ऐसे में मुलायम अपने 22 सांसदों के साथ अकेले ममता की कमी पूरी कर सकते हैं। और अगर बहुजन समाज पार्टी का भी समर्थन मिलता रहा तो सरकार के समर्थन में 300 सांसद हो जाएंगे, जो बहुमत के जादुई आंकड़े से काफी ज्यादा हैं। कांग्रेस के भरोसे की वजह तृणमूल के खाली किए मंत्री पद भी हैं। केंद्र सरकार में तृणमूल कांग्रेस के 6 मंत्री थे। मुकुल रॉय के पास रेल मंत्रालय था, सुदीप बंदोपाध्याय स्वास्थ्य राज्य मंत्री थे, सुल्तान अहमद पर्यटन राज्य मंत्री, स्वागत राय शहरी विकास राज्य मंत्री, शिशिर अधिकारी ग्रामीण विकास राज्य मंत्री और सीएम जतुआ सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री थे। सरकार को उम्मीद है कि इन 6 मंत्री पदों का लॉलीपॉप बाहर से समर्थन दे रही पार्टियों को सरकार के भीतर खींच सकती है। उधर ममता ने भी अब अलग होकर अपने कड़े तेवरों का ऐलान कर दिया है। अब टीएमसी का विरोध सड़क पर नजर आएगा। तय हो चुका है कि 30 सितंबर को टीएमसी के तमाम सांसद अपनी मांगों के साथ धरने पर बैठेंगे। उम्मीद है कि ममता जो काम सरकार में रहते नहीं कर सकी वो अब सरकार के बाहर होकर करेंगी। दिल्ली से रीमा पाराशर के साथ आज तक ब्यूरो। तो जो ममता पिछले 3 सालों से यूपीए 2 का पहिया बनी हुई थी वो ममता पहिया बाहर निकल गया और अब वो इस गाड़ी को गिराने में भरपूर कोशिश कर रही है। 2 महत्वपूर्ण बातें आज समर्थन वापसी की चिट्ठी के बाद तृणमूल नेताओं ने की। पहली बात तो ये कि उन्होंने विश्वास मत हासिल करने के लिए मनमोहन सिंह पर दबाव डाला जाए, मांग की जाए, ये मांग राष्ट्रपति से नहीं की। लेकिन दूसरी बात मुकुल रॉय ने जो की वो ये कि एफडीआई के मुद्दे पर सरकार को वोट मांगना चाहिए, वोट हासिल करना चाहिए संसद में, क्योंकि ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां इसके विरोध में, यानी अपना आप कह सकते हैं कि विरोध का सिलसिला वो संसद तक जारी रखेंगे, कम से कम फिलहाल ये समझ में आ रहा है। ऐसे में कांग्रेस की सरकार की क्या रणनीति होगी, कैसे अपने बहुमत को साबित किया जाएगा, नंबर हासिल किए जाएंगे, ये बता रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री पवन बंसल। वेदर यू हैव द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन द लोकसभा दैट दिस गवर्नमेंट एंजॉयज द मेजोरिटी, दैट सिंपल एज दैट। यूनिशन लीडर हैज सेड दैट कांग्रेस हैज बिकम मतलब अगेंस्ट पुअर बिकम अगेंस्ट पुअर दे आर डूइंग द नो नो इट इज टोटली रॉन्ग। इट इज नॉट एंटी पीपल, इट इज फॉर द पीपल। द टाइम विल show that this all the steps which the government has taken are for the benefit of the people. People have to wait and see the results thereof. If investment comes in the country, the value of the rupee will appreciate and that will also benefit the people itself. If we have increased the rate of diesel by 5 rupees, this is to ensure that we do not leave unsustainable burden on our future generations. The way we consume
things, the way the rates are increasing in the international market, unless the consumer pays for it, the government means you are borrowing money to import things today and leave that burden on the children who are not even born today. That should not be done. Any possibility of midterm polls? There is no question, no question of that. When we say that there is the majority, this government will have its full term for which the people have elected this government, the mandate that they have given, and that is the year, May 2014. It is a blow for Congress that they have lost TMC? It's not a blow, it's an unhappy thing. It's not a blow. They were our valued colleagues. We would have wanted to have them, but this is their political decision. If they've taken a political decision, it doesn't affect our stability or our work. It would rather further strengthen our resolve to go for measures which benefit the people in the long run. दो बातें महत्वपूर्ण पवन बंसल ने की. पहली बात तो ये कि सरकार के पास बहुमत है, किसी भी तरह की नंबर की कोई कमी नहीं है. दूसरी बात ये कि तृणमूल भले ही चली गई, अपनी मजबूरी के चलते चली गई है, लेकिन सरकार अपने इरादों में बिल्कुल दृढ़ है कि आर्थिक सुधार जारी रहने वाले हैं. मेरे तीन सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बालकृष्ण, संदीप सोनवलकर और अब कोलकाता से मनोज्ञा लोहीवाल भी मेरे साथ जुड़ गई है. मनोज्ञा, पहला सवाल मैं आपसे यहां पर पूछना चाहूंगा. खासा महत्वपूर्ण है तृणमूल का कांग्रेस के साथ होना, और कांग्रेस तृणमूल के साथ थी तो चीजें बहुत अच्छी पश्चिम बंगाल में दिखाई देती थी, खासकर कांग्रेस के लिए. लेकिन अब 19 सांसद बाहर चले गए हैं, सरकार पर तृणमूल का साथ नहीं बचा है. सबसे पहला असर जो मुझे लगता है वो ये कि अभिजीत मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी के जो बेटे हैं, उनका जो उपचुनाव होने वाला है कि जांगीपुर में अगले कुछ दिनों के अंदर, क्या आपको लगता है कि वहां पर तृणमूल कांग्रेस का विरोध करके अपना उम्मीदवार उतारेगी? क्या तृणमूल चुनाव कांग्रेस को जीत देगी? बहुत मुश्किल लगता है. ये बात तय है कि तृणमूल कांग्रेस इसका विरोध जरूर करेगी, क्योंकि जब यह फैसला हुआ था तब गठबंधन था और अब गठबंधन नहीं है. भले ही आज कुछ ही पलों पहले इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदीप भट्टाचार्य की उन्होंने ये साफ कहा हो कि उन्हें उम्मीद है कि तृणमूल कांग्रेस उनका सपोर्ट करेगी और विड्रॉ नहीं करेगी, वहां पर कोई कैंडिडेट को खड़ा नहीं करेगी. लेकिन ऐसा होना बहुत मुश्किल लगता है. और आज ही एक बात का प्रमाण और मिल गया कि अब पश्चिम बंगाल सरकार कांग्रेस को अपोजिशन के हिसाब से देखने लगी है. और इसके साथ ही सिंगूर में उन्होंने एक रैली का एक रिक्वेस्ट भेजी थी, जो वहां पे डिस्ट्रिक्ट के अधिकारियों को, जिला अधिकारियों की तरफ से उसको ना कर दिया गया है. और 25 सितंबर को जो प्लान्ड रैली थी कांग्रेस की, अब वो नहीं हो सकेगी क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने उस पर परमिशन नहीं दी है. लिहाजा ये पहला वाक्या होगा जब कांग्रेस को कहीं रैली करने के लिए परमिशन नहीं दी गई. और यही इस बात का सबूत है कि अब रिश्ते में कितनी खटास आ गई है और दोनों पार्टियों में कितनी दूरियां आ रही हैं. बिल्कुल, दूरियां आती जा रही है, रिश्ते में खटास आ गई है. तो क्या ये माना जाए कि पश्चिम बंगाल विधानसभा का स्वरूप भी बदल जाएगा, क्योंकि कांग्रेस वहां पर समर्थन वापसी की बात कर चुकी है. कल कांग्रेस के विधायक गवर्नर से मिलकर समर्थन वापसी की चिट्ठी कोलकाता में देने वाले हैं. संख्या के हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस दूसरी बड़ी पार्टी है पश्चिम बंगाल विधानसभा में, तो क्या विपक्ष का नेता का पद भी कांग्रेस को मिलेगा? मनोज, आप सुन पा रहे हैं? और जी जी बोलिए बोलिए, आप क्या आवाज है? क्योंकि अब कांग्रेस पूरी तरह ऑपोजिशन में आ जाएगी. और इसके साथ ही ये कहना गलत नहीं होगा कि अब तक जो काम सिर्फ वाम मोर्चा कर रही थी या लेफ्ट फ्रंट कर रही थी, अब वो कांग्रेस भी करेगी. क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस को अब एज एन एलाई नहीं देखते हैं. और अगर वो उनके साथ नहीं है तो फिर उनके साथ ट्रीटमेंट भी वही होगा जो एक विरोधी पक्ष का होता है. नेता कौन बनेगा ये अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन ये बात तो तय है कि अब कांग्रेस को भी तृणमूल कांग्रेस की सरकार का एक बार वो स्वाद भी चखना पड़ेगा जब वो खुद सरकार में नहीं होंगे. भले ही उन्होंने साथ में चुनाव लड़े हो, साथ में जीत का जश्न मनाया हो, लेकिन अब दोनों पार्टियां अलग हैं, दोनों के रास्ते अलग हैं. और ये देखने वाली बात होगी कि कैसा ट्रीटमेंट देती है ममता बनर्जी की सरकार कांग्रेस को बंगाल में. बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ममता बनर्जी दिल्ली से आर्थिक पैकेज मांग रही थी, आर्थिक पैकेज नहीं मिला है जो वो चाह रही थी. ऐसे में जाहिर तौर पर इसका असर बंगाल में भी असर पर दिखेगा. संदीप सोनवलकर भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं. संदीप, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के रिश्ते में तो खटास आ गई, लेकिन अगर हम आगे की पिक्चर की बात करें, बड़ी पिक्चर की बात करें, तो क्या अब आपको लगता है कि कोई भी एक पार्टी उत्तर प्रदेश की, चाहे वो मुलायम सिंह हो चाहे वो मायावती हो, इनमें से कौन कांग्रेस से अपने सहयोग की क्या कीमत वसूलेगा? क्योंकि दोनों पार्टियों को केंद्र में कांग्रेस की जरूरत है. क्या कीमतें कांग्रेस को देनी पड़ेंगी इन दोनों सहयोगियों को एक साथ रखने के लिए भी, क्योंकि दोनों आपस में धुर विरोधी हैं?
देखिए उत्तर प्रदेश में पहली तो शर्त ये रहती है दोनों पार्टियों की सीबीआई उन पर मेहरबान रहे, क्योंकि तो सीबीआई से दोनों को डर लगता है, चाहे सपा हो चाहे बसपा, दोनों के खिलाफ मामले चलते रहे हैं और दोनों चाहते हैं कि सीबीआई उनका साथ देती रहे, यही इसलिए केंद्र के साथ वो लगातार बने रहे। पहली शर्त तो हमेशा से ये रहती है। दूसरी शर्त ये रहती है कि जब भी सीटों का एडजस्टमेंट हो या चुनाव हो छोटा मोटा, तब कांग्रेस और कम से कम चूंकि वे सहयोगियों के तौर पर है तो कांग्रेस उतना विरोध न करे। जो मुश्किल कांग्रेस को आई थी, आपको याद होगा चुनाव के दौरान कांग्रेस जब भी समाजवादी पार्टी के खिलाफ प्रचार करती थी तो लोग सवाल पूछते थे कि केंद्र में आपको समर्थन है, आप यहाँ विरोध क्यों कर रहे हैं। ये मुश्किल कांग्रेस को लगातार आती रही है। जाहिर तौर पर दोनों पार्टियां मिलकर कांग्रेस से पूरी कीमत वसूलेंगी और पहली कीमत तो यही होगी कि दोनों के नेता चाहेंगे कि उन पर किसी तरह का कोई केस भ्रष्टाचार का, आय से ज्यादा संपत्ति का ना चले और जो केस मौजूद है वो समाप्त किए जाए। यानी कहीं ना कहीं सीबीआई का जो बेजा इस्तेमाल होता है जिसको हम लोग कहते हैं, वो उसका खौफ उसका डर फिर से शुरू हो जाएगा आम लोगों के मन में, कि कहीं ऐसा ना हो कि इसका इस्तेमाल कर सरकार अपनी जान को बचाती रहे। बालकृष्ण, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने काफी दिनों तक उत्तर प्रदेश को कवर किया, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टी को अच्छे से जानते हैं आप, इस परिस्थिति में क्या मुलायम सिंह यादव के लिए ये अच्छा होगा कि वो एक ऐसे मंच पर रहें जहां पर मायावती भी कांग्रेस के साथ है? क्या ये दोनों ही पार्टियों के लिए, मायावती के लिए मुलायम सिंह के लिए, एक साथ एक मंच ऐसे मंच पर होना नुकसानदायक तो नहीं होगा उन दोनों की अपनी राजनीति के लिए, खासकर उत्तर प्रदेश में? देखिए, अगर आप सुमित उत्तर प्रदेश की राजनीति के हिसाब से बात करें तो मुलायम सिंह यादव चाहेंगे कि अभी फौरन चुनाव हो जाए। उनके लिए आदर्श स्थिति ये होगी कि अभी अभी छह महीने पहले उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए हैं, शानदार प्रदर्शन रहा है उनका और उनको लगता है कि स्थिति उनके अनुकूल है। अगर इस वक्त लोकसभा के चुनाव हो जाए तो वो उसी तरह की स्थिति की उम्मीद कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा। लेकिन मुश्किल ये है मुलायम सिंह यादव के सामने कि सिर्फ उनके चाहने से चुनाव नहीं होता है। जब तक बीएसपी साथ है, जब तक बीएसपी सरकार के साथ है, तब तक सरकार को गिराना इतना आसान नहीं है। इस बात को मुलायम सिंह यादव भी अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए उनके ये एक तरह से कहे कि मजबूरी है कि वो यूपीए सरकार के साथ रहे, क्योंकि इससे बुरी बात कोई नहीं हो सकती कि वो सरकार को गिराने की कोशिश करे, न इधर के रहे न उधर के रहे, और उसके बाद अगर ऐसा कुछ होता है तो उनकी जो सरकार, अखिलेश यादव की जो सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश पे, वो सेंटर केंद्र सरकार उसको हर तरह की मदद करना बंद कर देगी, उनके लिए मुश्किल हो। तो तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस का साथ टूट चुका है, 39 महीने पुरानी ये जोड़ी अब पूरी तरीके से दोस्ती खत्म हो चुकी है, लेकिन यूपीए 2 की सेहत पर कोई असर नहीं है क्योंकि यूपीए 2 के पास नंबर्स पूरे हैं। ऐसे में एक और कांग्रेस के महत्वपूर्ण साथी हैं आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा कि ममता के बारे में उनका ये फैसला उनको कैसा लगा। ममता बनर्जी वो बहुत पहले ही हटा देना चाहिए था, पोजीशन की राजनीति, पोजीशन का सरकार चलाना, अब मनमोहन सिंह को कमजोर करना, जो पार्टनर लोग रहते हैं तो सरकार चलाने के लिए बहुत सारा चीज को लोग इग्नोर करते हैं। आज लोग टॉर्चर करते रहते हैं, लोग खाली टॉर्चर किया, बहुत सारे एलआई लोगों ने दुर्गंध फैलाया, पहले भी फैलाते हैं, मैं भी एलआई था लेकिन हमने कोई दुर्गंध नहीं फैलाया। तो जितना जल्दी छुट्टी उनको अभी गई, अब वहां सीपीएम अगले 7 साल तक बैठेगा वहां कलकत्ता में,